हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम केसीएल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग केसीएल। ओके, फिगर्स गिवन बिलो। आपको फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में 4 ओम के प्रतिरोध में करंट की वैल्यू फाइंड करना है कि कितना करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका वोल्टेज दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करना है केसीएल का इस्तेमाल करके। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि केसीएल का इस्तेमाल करके या फिर नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल करके, नोडल एनालिसिस से यदि बोला है, नोडल एनालिसिस से यदि क्वेश्चन में बोला है, तो आपको केसीएल या इस मेथड का इस्तेमाल करोगे, और यदि केवीएल बोला है तो हम उसके लिए आगे डिस्कस करेंगे। तो नोडल एनालिसिस से हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन गिवन होता है, क्वेश्चन का आप फिगर बनाओगे। मान लीजिए कि चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ, फिर से इसी फिगर को। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपका गिवन प्रॉब्लम, कुछ इस तरह से आपका है। ये माइनस प्लस 12 वोल्ट की बैटरी, 8 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी ब्रांच में सबसे पहले आप नोड देखोगे तो देखो यहाँ पर ये नोड नहीं है, ये है नोड। यहाँ पर एक नोड है ये और दूसरा नोड ये है, ये कॉमन नोड होता है। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि वी ए है इसका पोटेंशियल, इसको नोड 1 मान लेते हैं जिसका पोटेंशियल वी ए है। ठीक है, अब इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल अप्लाई करने से पहले हमें ध्यान देना होता है कि सभी ब्रांच में करंट डायरेक्शन दी है या नहीं। यदि नहीं दी तो हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप चाहो उस डायरेक्शन में आप क्या ले सकते हैं, करंट ले सकते हैं। आप चाहे इस डायरेक्शन में ले लीजिए, आप चाहे इसको भी इसी डायरेक्शन में ले लीजिए। ठीक है, और इसको आप इस डायरेक्शन में ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया I1 करंट, यहाँ पर हमने ले लिया I2 करंट, यहाँ पर हमने ले लिया I3 करंट। तो तीनों ब्रांच में हमने करंट की डायरेक्शन ले लिया है, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में मैंने लिया हूँ उसी डायरेक्शन में लें, आप इधर लें या इधर लें, किसी भी डायरेक्शन में लें, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अप्लाइंग केसीएल एट नोड वन। ठीक है, नोड एक में हम अप्लाई करेंगे केसीएल। तो देखो इसमें क्या होता है कि केसीएल क्या होता है कि आने वाली करंट I1 है, और इस जंक्शन की ओर आने वाली करंट क्या है, I2 है, इक्वल्स टू बाहर जाने वाली करंट क्या है, I3 है। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू केसीएल किरचॉल्स करंट लॉ। अब हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू क्या है, इस नोड का वोल्टेज, मतलब इस ब्रांच का वोल्टेज और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट जा रही, देखो इधर से इधर जा रही करंट, तो हमको लेना होगा I1 के लिए, I1 की वैल्यू क्या लेंगे, 20 माइनस वी ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10 ओम प्लस I2 कहाँ फ्लो हो रहा है बेटा, इस ब्रांच में हो रहा है, इस यहाँ से यहाँ की ओर आ रहा है। करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। तो आप पहले क्या इसमें लेंगे, आप यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या करंट लेना होगा, आपको अब यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, तो आपको यहाँ पर लेना होगा माइनस 12, फिर इसके बाद में माइनस वी ए डिवाइडेड बाई आपको लेना होगा इसका रेजिस्टेंस 8। देखो माइनस से बाहर करंट निकल रहा था बेटा, तो आपको माइनस लेना होगा, ये माइनस में वोल्टेज आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा और यहाँ पर जा रहा है तो वी ए आपका, ये भी माइनस में, फिर इक्वल्स टू I3, ये नीचे की ओर जा रहा है I3, तो यहाँ का वी ए, ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल हो गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है माइनस 0, इसका पोटेंशियल 0 है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इसका 4 ओम का है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, 20
बटे दस माइनस वी ए बटे दस प्लस, या इसको आप सीधे माइनस लिख लीजिए, 12 डिवाइडेड बाई 8 माइनस वी ए डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू वी ए डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो आप इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20 बटे 10 माइनस 12 बटे 8 इक्वल्स टू वी ए अपॉन 4 प्लस वी ए अपॉन 10 प्लस वी ए अपॉन 8। हमने क्या ट्रांसफर कर दिया माइनस को, उधर माइनस वाले टर्म्स को या वी ए वाले टर्म्स को। यहाँ से आप इसको क्या लेंगे, यहाँ से आप ले लीजिए इसका एलसीएम। ठीक है, तो 40 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 40 हम ले लेते हैं एलसीएम, और यहाँ से आ जाएगा चार, कितना आ जाएगा, तो ये 4 टाइम जाएगा, और 4 यहाँ से तो 80 माइनस ये कितने जाएगा 5 टाइम, और कितना जाएगा 60 इक्वल्स टू, यहाँ से आप ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ भी आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बी ए, यहाँ पर आपको आ जाएगा 10 बी ए प्लस, यहाँ से आ जाएगा आपको 4 बी ए, यहाँ से आपको आ जाएगा 5 बी ए। ठीक है, तो ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 10, 4 कितना हो जाएगा 14 प्लस 19 बी ए आ जाएगा। तो जो आपकी बी ए की वैल्यू है ये आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 19। इसको आप कट करोगे तो जो बी ए की वैल्यू आएगी वो आप कैलसी से कर सकते हैं। ठीक है, बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो बी ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, कैलसी से मैं कर लेता हूँ इसको, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 19, तो यहाँ से आपको 1.05 आपको यहाँ से वोल्ट वी ए आ जाएगा। बोला गया इस ब्रांच में करंट, तो इस ब्रांच में करंट आपको निकालने के लिए क्या करोगे, इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए क्या करोगे, I3 इक्वल्स टू सर दिख नहीं रहा है, हाँ I3 इक्वल्स टू, ये हमने इसको ले लिया। अब यहाँ I3 इक्वल्स टू क्या करेंगे, VA डिवाइडेड बाई 4, तो VA कितना है 1.05 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 4, तो इसको सॉल्व कर लीजिए डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 0.263 एम्पियर आंसर जो आपका पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम ऑन केसीएल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब जिस ब्रांच में बोला है उसी ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, जबकि आपका वोल्टेज सोर्स दो लगे हुए हैं, एक 20 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का। पोलैरिटी आप देख सकते हैं, ये प्लस और माइनस नीचे, और इस वाले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, इस चीज का आप बहुत ध्यान दोगे। इसमें हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे या नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। इसमें बोला है नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए, तो हम देखो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन यहाँ से करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले क्या करना होता है, केसीएल या नोडल एनालिसिस को अप्लाई करने से पहले हमको सभी ब्रांच में करंट की डायरेक्शन लेना होता है, यदि गिवन नहीं है तो। यदि गिवन है करंट डायरेक्शन तो उसकी उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है, यदि डायरेक्शन गिवन नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि हमको अलग से कोई भी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी करंट को ले लेंगे। जैसे I1 इधर ले लिया मैंने, I2 भी इसी डायरेक्शन में इस पॉइंट की ओर ले लिया, इस जंक्शन की ओर ले लिया, और I3 मैंने जंक्शन से बाहर की ओर ले लिया। जरूरी नहीं आप तीनों को जंक्शन की ओर ही ले सकते हैं, तीनों को आप जंक्शन के बाहर की ओर ले सकते हैं, कोई दो को किसी भी दो को अंदर ले सकते हैं, किसी भी दो को बाहर ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आंसर सभी का सेम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है इसमें, अब हमको इसमें अप्लाई करना है। हमने ले लिया ये नोड एक है, इसमें देखना है सबसे पहले कि नोड कितने हैं, तो नोड एक है। नोड किसको बोलते हैं, नोड ऐसा बिंदु होता है जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलते हैं और करंट का डिवीजन होता है, जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांच एक बिंदु पे मिलते हैं और करंट का डिवीजन होता है, करंट का बंटवारा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये नोड है या इसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ करंट देखो बट रहा है, यहाँ पर अलग अलग बट रहा है, इसको आप नहीं बोल सकते ये और ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही ब्रांच है ये, क्योंकि करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेम है। तो अब देखिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं केसीएल। केसीएल में हमको पता है कि किसी भी बिंदु पर आने वाली करंट उस बिंदु से बाहर जाने वाले करंट के इक्वल होता है। तो इस बिंदु पर या इस जंक्शन पे आने वाली करंट कितना, आई वन और आई टू, तो हमने ली आई वन प्लस आई टू बराबर इस बिंदु से दूर जाने वाली करंट क्या है, आई थ्री, तो हमने आई थ्री ले लिया। अब आई वन की वैल्यू को क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स ला क्या होता है, जो आई की वैल्यू होती है वी बाई आर होती है। तो टोटल वोल्टेज इस ब्रांच में कनेक्टेड टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच, ठीक है। तो इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 20, करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, मतलब 20 से VA की ओर है, तो 20 माइनस VA, तो हम लिख दिया यहाँ पर वोल्टेज की जगह में हम ले लिया 20 माइनस VA डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R है, R मतलब यहाँ 10 ओम है, तो हमने बटे में 10 ओम ले लिया। फिर ये प्लस ले लिया, फिर ये I2 लिया, I2 की वैल्यू लेंगे। अब देखो I2 ये ब्रांच में फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, इस 20 से इधर जा रही है, लेकिन कहाँ से निकल रही बेटा, माइनस की ओर से निकल रही है, जबकि प्लस से निकलती तो हम प्लस लेते थे ये वैल्यू को, लेकिन देखो यहाँ से करंट बाहर माइनस से निकल रही है, तो हम माइनस 12 ले लेंगे। करंट ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन माइनस से बाहर निकल रही है, तो हम इसको हमेशा जब माइनस से निकले तो आप इसको माइनस ले लें। प्लस से निकली थी तो हमने देखो प्लस लिया था 20, लेकिन यहाँ पर माइनस से करंट बाहर निकल रही है, इस डायरेक्शन में जा रही करंट मतलब यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, तो ये माइनस लेंगे, माइनस 12, और जहां पर जाती है उसको हम, यदि ये वैल्यू प्लस है तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस, माइनस वी ए, ठीक है। यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस ऑलरेडी आता है, और फिर एक और माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है, और डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, तो माइनस 12 वोल्ट माइनस वी ए डिवाइड बाई 8 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू बराबर क्या हो जाएगा, आई थ्री। आई थ्री की वैल्यू क्या है, इसमें आई थ्री फ्लो हो रहा है, तो वी ए माइनस 0/4, ठीक है, मतलब वी ए हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई है, सभी को क्लियर है। अब हमने क्या किया, इंडिविजुअली इसको अलग अलग अपॉन में कर देंगे, 20/10 वी ए बाई 10, 12/8 वी ए बाई 8 वी ए बाई 4, हम इस तरह इसको अलग अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो डिजिट वाले हैं, जो हमारे डिजिट हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, जो वी ए वाले टर्म्स है वी ए वाले उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हमने एलसीएम लिया 10 और 8 का, तो 40 आ गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम लेंगे 40 आएगा, फिर इसको हम जोड़ देंगे, तो इस तरह से आपको ये 20 मिल जाएगा और यहाँ पर 19 बीए मिल जाएगा। तो जो बीए है इस पॉइंट पे, जो इस नोट पे जो बीए की वैल्यू है, ये हमने निकाल लिया यहाँ से 1.05 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट का जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 1.05 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 1.05 वोल्ट मिल गया। अब आपको निकालना था इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट निकालना था आई थ्री, आई थ्री बराबर क्या था बेटा, वी ए बाई 4, वी ए बाई 4 था आई थ्री में, तो हमने वी ए की वैल्यू रख दिया 1.05/4, तो हमको ये आंसर मिल गया है, जो कि इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है, जिसका वैल्यू है 0.263 एम्पियर। यही आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ये आपको यहाँ से आंसर मिल गया, जो कि आई थ्री ब्रांच में, जहाँ पर आई थ्री की, जहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें आई थ्री फ्लो हो रहा था, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मिल जाएगी 0.263, ठीक है, जो कि आंसर है, ठीक है, जो इसमें पूछा था वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।